Smell भी नहीं बन रही। आज हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चाहे एनालिसिस करेंगे कल के लिए, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। कल एक्सपायरी है तो कहाँ पर एक्सपायरी हो सकती है थोड़ा सा। ओके, तो लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्टडीज बाय विनय मंडारी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्टडीज, में जरूर जुड़िए। ब्लॉग है विनय मंडारी वन डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। फेसबुक पेज है हेजिंग स्टडीज बाय विनय मंडारी। ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग। व्हाट्सअप नंबर है 9699। सारे प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़िए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले। अच्छा देखिए, ये हमारा ब्लॉग है, इसमें आप जरूर जुड़िए, इसमें लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारी तरफ से। ओके, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें जरूर जुड़िए हेजिंग स्ट्रेटजीज, जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं। देखिए हीरो मोटो में हमने प्रॉफिट कराया, बाकी निफ्टी शॉर्ट दिया था, बिल्कुल लेवल पर टच हुआ है हमारे, और क्लोजिंग बिल्कुल हमारे लेवल के पास में क्लोजिंग दिया है। ओके, तो चार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है। सेटअप देखिए, यहाँ शॉर्ट दिया था, कितना अच्छा नीचे की तरफ आया। यहाँ पर हमें बाय दिया है, बाय देने के बाद कितना अच्छा इसने रन दिया। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से कितना अच्छा रन दिया इसने ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद नीचे आया, लेकिन शॉर्ट सिग्नल नहीं दिया इसने अभी तक हमारे को। बैंक निफ्टी ने शॉर्ट सिग्नल नहीं दिया, जैसे निफ्टी का चार्ट हमने देखा था, निफ्टी ने हमें शॉर्ट सिग्नल दे दिया था। डेली चार्ट भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी शॉर्ट चल रहा है, ये चीज़ देख लीजिए। डेली चार्ट पर शॉर्ट हमारे को 19 फरवरी को शॉर्ट मिल गया था, उसके बाद से शॉर्ट ही है। डेली चार्ट पर 19 फरवरी नहीं, सॉरी 18 फरवरी से शॉर्ट है। डेली चार्ट पर शॉर्ट ही चल रहा है, लेकिन 15 मिनट के चार्ट पर हमारे को शॉर्ट नहीं है, तो बैंक निफ्टी भी खराब लग रहा है। लेकिन देखिए ये लेवल पर आ जाना चाहिए था अब तक इसे, 29,900 जो मैंने बोल रखा आपको, 29,900 लेवल, ये इसे आ जाना चाहिए था। आज इसने लो कितना लगाया है, 30,131, और 30,107 का आज का मैंने टारगेट दिया। देखिए टारगेट से केवल 30 पॉइंट करीब रुका, 30 पॉइंट भी नहीं, करीब 22-23 पॉइंट करीब रुका, लेकिन नीचे हमारे टारगेट के पास काफी हद तक नीचे की तरफ आया है। अब बैंक निफ्टी में उतना करेक्शन नहीं आ रहा है जितना निफ्टी में करेक्शन आ रहा है। उसका रीजन ये है कि एसबीआई कार्ड का, जैसे कि सब लोग जानते हैं, आईपीओ आने वाला है, तो एसबीआई पकड़ कर रखा है थोड़ा सा बाजार को, बैंक निफ्टी को। लेकिन चार्ट में मेरे को खराब दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो ऑप्शन चेन का डेटा भी एक बार देखेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा भी हम देखेंगे। देखिए ये डेटा को मैं ले लेता हूँ पेंट में, थोड़ा समझने के लिए इजी रहेगा। ऑप्शन चेन का डेटा डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरी और रहेगी, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पर ऑप्शंस की बहुत सी स्ट्रेटेजीज दी हुई हैं, अगर ये आप सीखना चाहते हैं यहाँ से सीख सकते हैं। मेरे से सीखना है तो मेरा नंबर 9699646408 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे से। ओके, ये देखिए मैंने ऑप्शन चेन के डेटा को पेंट में ले लिया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 30,300 पर आते हैं पहले, ये लेवल आ गए हम 30,300। इधर कॉल राइटिंग है, 2 लाख की कॉल राइटिंग है, बहुत बड़ी कॉल राइटिंग है यहाँ पर। यहाँ पर भी कॉल राइटिंग है 30,400 में, ये सब कॉल राइटिंग दिख रही है। इधर 30,000 में भी 35,000 का नया ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है आज 30,000 में। ओके, देखिए यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंड भी हो गए हैं, लॉन्ग अनवाइंड भी होना शुरू हो गए हैं 30,500 के कॉल्स। अच्छा ओपन इंटरेस्ट अभी भी 6,72,000 है, तो ये तो भूल जाओ, अब ये लेवल आएगा 30,500 का लेवल नहीं आना है अब, ऐसा मेरे को दिख रहा है। नीचे की तरफ मैं देख रहा हूँ तो पुट साइड का डेटा एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ, क्लियर दिखेगा आपको। पुट साइड का डेटा पहले 30,300 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए पुट राइटिंग है, ये पुट राइटिंग है, ये सब पुट राइटिंग है। 30,000 में 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ओके, तो ये लेवल नहीं टूटेगा अभी इतनी जल्दी, 30,000 का लेवल कल के लिए तो फिलहाल नहीं, कल के लिए नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ उसके आसपास जरूर आएगा कल। उसके आसपास मतलब ठीक है, यहाँ भी लॉन्ग अनवाइंड होना शुरू हो गया है, ये सब लॉन्ग अनवाइंड नहीं है यहाँ पर,
लॉन्ग अनवाइंड होना शुरू हो गया यहाँ पर। अच्छा देखिए ऑप्शंस का जो डेटा है ना वो इतना मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। मीन्स अगर मैं कल की बात करूँ, देखिए मैं कल के लिए ही बता रहा हूँ, केवल कल के लिए मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लेवल आना चाहिए 30,100। 30,100 एक बार आना चाहिए। 30,131 का लो लगाया, हाँ, तो 30,130,131 का जो आज का लो था इसे कल तोड़ना चाहिए बैंक निफ्टी को। अगर इसे तोड़ेगा तो फिर उसके बाद जो मैंने जो ये लेवल जो मेरा निकाला हुआ है 29,907, फिर ये लेवल पे बहुत जल्दी आ जाएगा। बस ये जो आज का जो लो है 30,131 ये कल तोड़ना चाहिए, और मेरे को जो क्लोजिंग लग रही है, जो एक्सपायरी लग रही है, वो भी इसके आसपास ही लग रही है, 30,100 के आसपास, ये लेवल के आसपास ही एक्सपायरी भी मेरे को लग रही है, 30,100 के आसपास कल की एक्सपायरी। ओके देखिए सिंपल है, कोई ज़्यादा खास नहीं, ऊपर की तरफ तो भूल जाइए चलेगा बाजार, अब बिल्कुल भी मेरे को नहीं लग रहा है, तेज़ी करनी चाहिए। आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर से राय लेके करिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ केवल एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं कल भी शॉर्ट करके पसंद करूँगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को, मैं शॉर्ट करके ही काम करना पसंद करूँगा कल के दिन भी। ओके और आप अगर ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज हेजिंग सीखना चाहते हैं कि कैसे हेजिंग करते हैं, तो आप मेरा नंबर 9699646408 इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। पहले एक बार व्हाट्सअप कर लीजिएगा, उसके बाद फ़ोन कर लीजिएगा। ओके अगर आप सीखना चाहते हैं तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। पुराने लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, अगर आप कुछ कुछ बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट जरूर कर दिया करिए और लाइक जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद।